नींबू पानी? नहीं, कुछ अलग करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सोमेश माथुर, होममेड में आप सभी का स्वागत है। गर्मी बहुत तेज हो रही है तो आज हम बनाएंगे कुछ पीने के लिए ठंडा। इसका नाम है मिंट लेमिनेट। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिंट लेमिनेट बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर बहुत सारा मिंट। ये मिंट जो है वो आपको अंदर तक पूरी तरीके से ठंडा कर देगा, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छी क्वांटिटी में मिंट चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो आपके मिंट के अंदर क्या होता है ना, मिट्टी के पार्टिकल्स आते हैं। उससे दिक्कत ये होगी कि जब आप अपने मिंट का जूस बनाएंगे तो उसके पार्टिकल्स उसमें आ सकते हैं, तो आपका जो मिंट लेमिनेट है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मिंट के सारे पार्टिकल्स हैं वो इसमें से निकल जाए। ठीक है जी, तो अब हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंगे लेमन। इस लेमन को हमें थोड़ा सा इस तरीके से रोल करके सॉफ्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम इसे करेंगे कट। और अब हम इस नींबू को यूज़ करेंगे हमारे लाइम जूस के लिए और गार्निश के लिए। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे ना, इसलिए। तो ये लीजिए, मैंने एक स्लाइस निकाल लिया है। ठीक है जी, ये हो चुका है डन। अब आपको लेना है एक मिक्सिंग जार, और इस मिक्सिंग जार के अंदर हम ऐड करेंगे हमारी अच्छे से वॉश करी हुई मिंट लीव्स को। तो अब हम इसके अंदर सारी मिंट लीव्स डाल देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1-2 टीस्पून लाइम जूस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, आपको कम चाहिए कम ले लीजिए, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ले लीजिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिका हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक। ठीक है जी, इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1/2 कप पानी। अब हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, इस तरह की हमें चाहिए छलनी या स्ट्रेनर जिसको हम बोलते हैं, और उससे हमें जो हमारा जूस है उसे छान लेना है, ताकि जो मिंट के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो आपके मुंह में ना आए, इसलिए हम इसे छान लेते हैं और एकदम स्मूथ जूस जो है हमें वो मिल जाए। तो आपको इसी तरीके से इसे छान लेना है और अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर इसके अंदर का जो जितना भी जूस है उसे निकाल देना है। ठीक है जी, तो ये लीजिए, मैं इसको इस तरीके से प्रेस करके इसका जो सारा जूस है वो निकाल लेता हूँ। तो ये प्रोसेस हो चुका है डन। अब हम इसे रख देंगे साइड में। और अब हम लेंगे एक सुंदर सा ग्लास, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमने जो हमारा जूस तैयार किया है उसे, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। इतना ही डाले, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और कोई भी ड्रिंक हो, ठंडी ठंडी सर्व हो तो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 क्यूब्स आइस। ठीक है जी, ये हो चुका है डन। एक लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, और अब हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो ये हो चुका है प्रोसेस एकदम डन। अब एक स्पून से आप इसको अच्छी तरीके से इन सभी को मिक्स कर दीजिए। ये लीजिए, ये हो चुका है डन। इसके ऊपर हम कर देते थोड़ी सी गार्निश, और अब हमारा मिंट लेमिनेट रेडी है।